हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हुए हैं 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ। तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुकी हूँ और परी और उसके पापा जा चुके हैं। थोड़ा मुझे टाइम लग गया फ्रेश होने में, तो वो निकल गए, तो मैं उनके पीछे पीछे जा रही हूँ फटाफट। तो आप भी सुबह मॉर्निंग वॉक किया करें, नहीं बाहर निकलना होता है, अपने घर में हल्का सा टहल रही योगा किया करें, लेकिन फिट रहें। ओके, आगे दिखाती हूँ। आज का दिन हो गया है मेरा शुरू। देखो, परी भी निकली है वो मॉर्निंग वॉक के लिए, मैंने इन्हें पकड़ लिया। वैसे पापा भी है पीछे पीछे। ये देखो, सारे डॉगी चलते हैं और शेरनी को हम लेके नहीं आते, वो बहुत तंग करती है। हाँ, ये देखो तस्मा। चलो चलो परी। बच्चों का हो गया है लंच तैयार, कर दिया मैंने दोनों का, और रखा है पास्ता। देखो पास्ता बनाया था सुबह। बोल, हम चले स्कूल। तैयार हो सुबह। देखो भाई, सुबह सुबह यहाँ कितनी धूप है, जबकि 7:10 हुए हैं अभी, और इतनी तेज़ धूप है। तो मैं स्कूल में इन्हें छोड़ने के लिए आई हूँ, बच्चों को नहीं, स्कूल आर्मी का। हाँ, तो हम लोग छोड़ के बस इनको निकल जाऊँगी। जी, सर का नाश्ता भी मैंने कर दिया है तैयार, और ये है फीकी चाय जिसमें हम गुड़ डाल के पियेंगे, मैं भी और सभी। क्योंकि थोड़ी सी चाय मैं सुबह उनके साथ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है और साथ में बैठना भी हो जाता है। तो वो नाश्ता करेंगे, मैं उनके साथ लूँगी थोड़ी सी चाय। देखिए गाइस, सर भी चले गए अब ऑफिस सुबह, अब मेरा काम स्टार्ट, मेरा नहाना धोना पूजा अब सब अब होगा। और आज मेरी पिलिया भी, क्योंकि आज ब्रेड भी नहीं थी, रोटी भी नहीं थी, तो अब इनको दूंगी मैं दोनों को खाना सुबह का। चलो उठो। शेरनी, ओह आई सी। देखिए गाइस, ये मेरे पास ना काफी पुरानी ब्लीच हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ इसको फेंकूं। तो मैंने सोचा फेंकूं क्यों, तो मैं जब ये ब्लीच बहुत पुरानी हो जाती है, या आपकी ब्लीच थोड़ा आप फेस पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप इसको हाथों पैरों में अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसको लगाऊंगी हाथों पैर पे और आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से मैं कर रही हूँ इसको पैर पे अप्लाई, जिससे कि आपकी ब्लीच ख़राब भी नहीं होगी और वेस्ट भी नहीं होगी, और आपके काम भी आ जाएगी और आपके पैर चमक उठेंगे। पैर हाथ बस। देखिए, कॉटन की सहायता से आप इसको इस तरह से लगा लीजिए अपने हाथों पर भी, इस तरह, और दोनों हाथों पे, तो आपकी ये वेस्ट नहीं होगी, आपकी ये काम आ जाएगी। मैं अपनी चीज़ों को वेस्ट नहीं करती हूँ। अब देखो, ये ब्लीच मेरी फीकती है ऐसे ही, तो ये मेरी यूज़ हो गई, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, सदुपयोग करिए अपनी चीज़ों का। ओके भाई, रानी आ चुकी है, साइकिल चला के आई है ना, तो गर्मी बहुत है यहाँ पर। देखो धूप कितनी तेज़ है ना, तो बेचारी थक जाती है, आके मुरझाई सी बैठ गई। तो देखो, एक इधर बैठी है, एक उधर बैठी है, बीच में है समंदर दोनों के। अब तैर ही सकती नहीं, दोनों को तैरना नहीं आता, तो बेचारी बैठी हुई है आराम से। देखो अभी काम शुरू करेंगी धीरे धीरे। देखो, रानी को मैंने बोला, मैंने कहा प्याज काट दे फटाफट, मैगी वैगी बना के हम लोग खा खू के अलग हटे, तो रानी को सुनाई नहीं देता बिल्कुल भी। और 4 दिन से इसे बोल रही हूँ, आलू छाट दे, आलू छाट दे। देखो कितना उसमें ना बार बार आलू खराब हो रहा है, स्मेल आ रही है। तो कल मैंने ना निकाला नहीं है जान के, नहीं तो फिर मुझे कहेगी नहीं मैंने तो निकाल दिया था, मैडम है ही नहीं वो उसमें, वो ये आलू सड़ा हुआ, तो इसलिए ना मैंने निकाला नहीं। और इसे सुबह दिखा रही हूँ, मैंने कहा ले अब प्याज काट रही है फटाफट, चल जल्दी कर, मार के काम कराना पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं करती बंदरियासी। देखिए गाइस, अब हो रहा है हमारा नाश्ता, आज बहुत लेट हो गए हम। उधर रानी बैठी हुई है और देखो नीचे बैठी हुई है, मैं कहती हूँ उसको ऊपर बैठ जा, लेकिन बैठती नहीं है, और मैं बेड पे बैठी हुई हूँ और फटाफट हम कर रहे हैं नाश्ता।
देखिए गाइस, जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरी पोस्टिंग आने वाली है, तो मैं धीरे धीरे डेली की एक एक चीज़ लेके बैठती हूँ। तो देखिए, आज मैं अपनी ड्रेसिंग साफ़ कर रही हूँ, जिसमें फालतू सामान है, बेकार सामान है, वो सब निकाल के फेंक दूँगी या किसी को दे दूँगी। तो धीरे धीरे मैं ऐसे काम कर रही हूँ। तो अभी बच्चों की हो गई छुट्टी और मैं बच्चों को लेके आ रही हूँ। और सिद्धू का क्वेश्चन, मम्मी क्या बनाया? सिद्धू गाड़ी में बैठता है और सिद्धू पूछता है, मम्मी क्या बनाया? अब हम इन्हें घर लेके जा रहे हैं और फिर खिलाएंगे ना खाना तैयार करके, इनके कपड़े उपड़े चेंज करवा के। ठीक, रानी को दे दी मैंने सब्जी। मैं स्कूल गई तो ये खाना खाने बैठ गई। अब फिर मैंने कहा सब्जी दे देती हूँ, तो अभी एक कटोरी सब्जी दी है। अब दोनों बैठ के सीमा और रानी खाना खाने। और देखो कितनी धूप में बैठे रहते हैं। मैं बोलती हूँ अंदर बैठ जाया करो, नहीं बैठती हैं। दोनों की आदत हो रखी है। चलो खाओ तुम लोग खाना। देखो भाई, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, सिद्धू खाना खा के अपने रूम में जा चुका है, मैं, परी और पापा इधर लेट गए थोड़ी सी देर आराम करने के लिए, फिर पापा जाएंगे ऑफिस 3:30। तो अभी हम थोड़ा सा करेंगे आराम और फिर शुरू करेंगे आपका शाम का अपना काम। ओके बाय। देखो रानी लगी हुई है, हम लेटे हुए थे तो रानी ना लेटी हुई है, उठक पटक के कहीं सो ना जाए ये लोग, पूरा लगा है आज ना। लेकिन इसके पैर में बहुत चोट लग गई, तो आज मैंने इसको कपड़े नहीं धोने दिए। मैंने कहा तू कपड़े मत धो, आज सिर्फ सूखा सूखा काम कर जो पैर में तेरे पानी ना लगे। तो आज ने पूरी किचन साफ करी है, पूरी टाइल्स वगैरह, मतलब बहुत अच्छी है। नहीं तो छुट्टी कर लेती हैं, मैडम मेरा ये हो गया, मैडम मेरा वो हो गया, मैडम आज मैं जा आने की नहीं। गलत नहीं करना चाहिए, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बस मैं ये सोचती हूँ। मेरे हाथ से किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बोलती है ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तो मैं अपना उसी हिसाब से इसका काम हल्का करवा देती हूँ कि आज जैसे पैर में चोट लगी तो आज तुम ये काम मत करो, सूखा सूखा काम करो, मैं हेल्प कर दूँगी। तो वही है, दोनों तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, लेकिन समय के अनुसार इंसान को ढलना चाहिए, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। देखो ये टाइल साफ करी है, पूरी किचन आज रानी ने साफ करी है कपड़े से, निरमे से, तो बहुत अच्छे से किचन चमक उठी है एकदम। देखो बहुत अच्छे से अपनी काम बहुत अच्छा करती है, देखिए काम बहुत अच्छा करती है और मतलब खुश रहती है। ये देखो, हाँ देखो दोनों बात कर रही हैं। सीमा कह रही है उसको, रानी को, कि तू बैठ जा, खुद वो काम कर रही है धूप में यार। नहीं, खाना खाने बैठता। अच्छा हाँ, तभी ये घास लेने के लिए जाती है ना। वो मैं भी इसको बोलती हूँ, लेकिन ये अपने हिसाब से रख करती है। क्या कहूँ मैं रानी को, मतलब ज़्यादा मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, अपने हिसाब से करती रहती है। देखो सीमा का काम ख़त्म हो गया, तो सीमा भी जाएगी तो जल्दी जल्दी काम करती हैं। 4:30 तक ये लोग निकल जाती है, कभी खाना नहीं छोड़ती। शेरनी शेरनी, बेचारी दोनों ने झाड़ू लगा रही थी, एक ये लगा रही थी, एक सीमा लगा रही थी। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पूरा घर आंगन ना गंदा हो गया, तो दोनों की दोनों बैठ गई, इधर रानी इधर सीमा, ये ले हो गया काम। झाड़ू नहीं, झाड़ू किया गंदा हो गया। देखो परी ने जब से स्कूल से आई ना, तो इन्होंने देखा नहीं था दोनों ने, अब दौड़ के आई, परी ने आवाज लगाई तो दौड़ के आई बंदरिये सी दोनों और बैठ गई। ये देखो पानी पी रही है गमले में से। देखो डोंगे में मैं कितना सारा पानी रखती हूँ, फिर भी गमले में से पानी पी रही है। ये देखो खड़ी हो गई, देखना कैसे प्यार दिखा रही है मेरी शेरनी, इसको चंगड़ी तोड़ दो, इसका दांत कैसे दिखा रही है, बंदरिया सी दांत दिखा रही है, वो बंदरिया वहाँ बैठी है। चलो देखो कैसे बैठी मेरी लूसी लूची। देखो शेरनी ने सुबह यहाँ ना गड्ढा खोद के ब्रेड दबाई थी, और देखो वो खा लिया उसने निकाल के, मुझे पता भी नहीं चला कब निकाल लिए। देखो पूरा बढ़िया तरीके से है,
देखो परी ना साइकिल चला रही है, अपने स्कूटर चला रही है। ये देखो आ गई मेरे पास बंदरिया। ये देखो स्कूल से आके शाम को 4 बजे। ये देखो रानी के ना रोज साइकिल में हवा गायब हो जा, रोज बेचारी अपनी साइकिल में हवा भरती है। देखो ये भर ली, अब चलेगी इसकी सवारी।